नमस्कार, फ्रेम टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर 18 अक्टूबर 2019 शासन द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय राज्यपाल माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में पड़े सिद्धार्थनगर NGO रेड क्रॉस एसोसिएशन TB एसोसिएशन रोटरी क्लब के अधिकारियों के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा द्वारा भारत सरकार की योजनाओं जनधन योजना आयुष्मान योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड की प्रगति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोषण अभियान की गतिविधियां उज्ज्वला योजना ऑपरेशन कायाकल्प प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी दीनदयाल अंत्योदय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण अटल पेंशन योजना पाइप पेयजल योजना आदि के बारे में जनपद में कराए गए सभी योजना की प्रगति के बारे में प्रेजेंटेशन द्वारा माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल को दिखाया गया। बैठक में माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के नीति आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में सिद्धार्थनगर भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम की सफलता प्राप्त करने में जनता का अत्यंत ही जरूरी है। माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने उपस्थित समस्त प्राचार्यों को निर्देश दिया कि प्रत्येक विद्यालयों के शिक्षक अध्ययनतरण छात्र छात्राओं को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों के कक्षाओं में जाकर उसमें से 10 ऐसे अच्छे बच्चों को छांटकर अलग करें लाजो पढ़ने में अच्छी रुचि रखते हों। उन 10 बच्चों के पढ़ने से शेष अन्य क्लास के बच्चों भी पढ़ने के लिए अपने आप में प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर सभी प्राचार्य और शिक्षक गणों को प्रसिद्ध पत्र दिया गया। सभी योजनाओं की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर को प्रसिद्ध पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयुक्त बस्ती मंडल बस्ती श्री अनिल कुमार तथा जिला अधिकारी श्री दीपक मीणा द्वारा माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी को महात्मा गौतम की स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके पश्चात कपिलवस्तु बौद्ध संग्रहालय में पुरातत्व विभाग द्वारा कपिलवस्तु की खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का अवलोकन किया गया। इसके अलावा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी गई। इसके पश्चात माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदी बेन पटेल द्वारा कपिलवस्तु स्तूप का भी दर्शन किया गया।